कंदमूल वाली सब्जियां ज्यादा खाते हैं, जैसे कि आलू और ऐसी अन्य सब्जियां। आपके पेट में नाभि के नीचे गैस बनेगी। अगर आप दही चावल खाते हैं तो आपको नींद आ जाएगी। उसके बाद आपको इसे नहीं छूना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है। जब जिंदा रहने का सवाल हो तो जो खाने के लिए है वो खाइए, ये अलग बात है। अगर आप कंदमूल वाली सब्जियां ज्यादा खाते हैं, जैसे कि आलू और ऐसी अन्य सब्जियां, आपके पेट में नाभि के नीचे गैस बनेगी। एक बार गैस बनने लगी तो नाभि और गले के बीच प्राण उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे करना चाहिए, और आपके सिस्टम की सक्रियता का स्तर कम होता जाएगा। सब्जियों में कुछ चीजें जैसे कि मूली, कि उन सब्जियों में से एक है जो जमीन के नीचे उगती हैं और फिर भी पॉजिटिव हैं। गाजर, मूली, बाकी सभी कंदमूल वाली सब्जियां जैसे कि आलू और इसके जैसी सब्जियां जीरो प्राणिक होती हैं, लेकिन ये तमस पैदा करती हैं। तमस का मतलब है ये आपके अंदर जड़ता पैदा करती हैं। हम आमतौर पर विद्यार्थियों और साधकों को आलू और इसके परिवार की सब्जियां खाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ये नींद को बढ़ा देती हैं। विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं और साधक, दोनों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है नींद। अगर आप आंखें बंद करके बैठे, अगर आप किताब खोलें, किताब सुलाने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि नहीं, और उसके ऊपर अगर आपने आलू खाया हो तो आप तुरंत सो जाएंगे। दूध से बनी चीजों में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आजकल कपड़ा चिपकाने वाले पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। ये पदार्थ पानी में घुल नहीं पाते, तो जब आप बहुत सी दूध से बनी चीजें खा लेते हैं ये आपके मलाशय में जाकर चिपक जाता है। तो जो मल आसानी से सिस्टम के बाहर निकल जाना चाहिए वो बाहर नहीं निकलता। दूध से बनी चीजें खाने से आपके शरीर और मन की सतर्कता कम हो जाती है। कम से कम जो दक्षिण भारत से हैं, उन्होंने आपको स्कूल में भी बताया होगा कि अगर आप दही चावल खाते हैं तो आपको नींद आ जाएगी। आया ना? अगर किसी को नींद आ रही है तो दक्षिण भारत में कहते हैं थायर सा तो सांप टोन दिया। सबको पता है ये आपको सुस्त बनाता है, लेकिन शिक्षक भी खाते हैं, यही समस्या है। ये चिकित्सीय रूप से साबित हुआ तथ्य है कि अगर आप कच्चा मांस खाते हैं तो इसे आपके सिस्टम से होकर निकलने में लगभग 70 से 72 घंटे लगते हैं। अगर आप पका मांस खाते हैं तो इसे सिस्टम से निकलने में 50 से 54 घंटे लग जाते हैं। अगर आप पका हुआ शाकाहारी खाना खाते हैं तो इसे सिस्टम से निकलने में 24 से 30 घंटे लगते हैं। अगर आप कच्चा शाकाहारी खाना खाते हैं तो इसे सिस्टम से निकलने में 12 से 15 घंटे लगते हैं। अगर आप एक फल खाते हैं तो इसे सिस्टम से निकलने में 1.5 से 3 घंटे लगते हैं। इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि इंसान की आहार नली 24 से 36 फीट लंबी होती है। ये पूरी नली जो आपके होंठों से गुदा तक जाती है। सभी शाकाहारी जानवरों में ऐसा होता है कि उनकी आहार नली उनके शरीर की लंबाई से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा लंबी होती है। सभी मांसाहारी जीवों में ये शरीर की लंबाई से सिर्फ 2.5 से 3 गुना लंबी होती है। या दूसरे शब्दों में, मांस खाने वाले सभी जीवों में आहार नली बहुत छोटी होती है। सभी शाकाहारियों की आहार नली बहुत लंबी होती है। तो क्योंकि शाकाहारी खाना सिस्टम में होकर जल्दी से निकल जाता है, इसलिए नली की लंबाई इस तरह से बनी होती है। तो जब भी आप मांस खाते हैं और सिस्टम में ये देर तक रहता है, पक्के तौर पर ये बीमारियों की दुकान है। कई तरीकों से आप बीमार हो सकते हैं। मांस खाना, आप जानते हैं, दुनिया में हमारी संस्कृति का भाग बन गया, क्योंकि बीते समय के कई समाजों में जिंदा रहना प्राथमिक चीज थी। जब जिंदा रहने का सवाल हो तो जो खाने के लिए है वो खाइए, ये अलग बात है। एक बार जिंदा रहने का बंदोबस्त कर लिया जाए तब आप चुन सकते हैं। अब आप चुन सकते हैं कि आपको किस तरह का शरीर चाहिए, आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप उस तरह से खाते हैं। ये मांस खाने की पाबंदी के बारे में नहीं है, ये ज्यादा जागरूकता के साथ खाने के बारे में है। ये चुनाव करके खाने की बात है। योगिक परंपरा में अगर आप कुछ पकाते हैं
तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में आपको इसे जरूर खा लेना चाहिए। अगर कुछ विशेष तरह के आइटम हैं तो 4 घंटे तक ठीक है, उसके बाद आपको इसे नहीं छूना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है, आप कुछ नहीं छूते क्योंकि तब सिस्टम में गैस पैदा होती है। गैस पेट में ही नहीं, जिसे आप साफ तौर पर महसूस करेंगे, बल्कि आपके पूरे सिस्टम में गैस बनेगी जो आपकी प्राण वायु के खिलाफ काम करेगी। इसका मतलब है आपके सांस लेने और सोचने की प्रक्रिया और आपके सूंघने की क्षमता समय के साथ कम हो जाती है। ये तीनों चीजें आपके उत्साहपूर्ण रहने के लिए बहुत जरूरी हैं।